जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन, यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की बात करेंगे, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। ओके, ओके। फॉर ऑल द वर्गो पीपल, मुझे ऐसा लगता है क्रॉस रोड्स पे है आप अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को लेके स्टक हैं। मे भी हो सकता है कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो या कोई आपका वेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते फॉर ऑल द वर्गो पीपल कोई आपकी तरफ आना चाहता है। चीज़ें बहुत स्लो हैं, स्लो पेस पे चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना कि स्लो पेस पे चीज़ें चल रही हैं और स्टक एनर्जी है। हो सकता है कि आपने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया, या हो सकता है इस पर्सन ने अपने आप को इस सिचुएशन में आउटकास्ट कर लिया। और अगर बात भी करें अगर आपकी होम लाइफ की या डोमेस्टिक लाइफ की, अगर आप आपके लाइक जो भी है डोमेस्टिक लाइफ में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है लाइक आप क्रॉस रोड्स में हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है स्टक एनर्जी है। हो सकता है चीज़ों को आप लाइक बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है चेंज चाहते हैं बट कोई रिजिस्ट कर रहा है यहाँ पे चेंज। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ का, जैसे कह रही है ना, इंतज़ार तो है लेकिन कुछ चेंजेस भी लाना चाहते हैं लेकिन चेंजेस को रिजिस्ट करना पड़ रहा है। हो सकता है कि कोई यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला वेटिंग पीरियड चल रहा है, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी है आपकी लाइफ में। हैंगमैन का मतलब है कि हो सकता है आपको सिचुएशन आप एनालाइज कर रहे हैं, या धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या यूँ कह लीजिए एनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू आप निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद अ टावर कार्ड एंड विद अ हैंग्ड मैन, राइट। मे भी हो सकता है कुछ के लिए इस हफ्ते ये चीज़ हो सकती है कि आपको कोई जैसे मैं कहूँगी आपको कि कुछ आप ऐसा अपनी लाइफ में महसूस करें, या आपको जो आपको अंदर तक हिला के रखते, जो आपको अंदर तक सिचुएशन का आपको आप एनालाइज करें कि अच्छा ऐसे भी होता है, या ऐसा कुछ जो आपको अंदर तक जैसे कहते हैं ना जब छोड़ के रखते हैं। ये चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है ओवरऑल फॉर ऑल द वर्गो पीपल, या कुछ के लिए हो सकता है ऑलरेडी ये हो चुका है और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या कर सकते हैं आगे के लिए। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, कुछ के लिए हो सकता है कि somebody wants to rush in। हो सकता है ये आप भी है या आपके पर्सन है कोई इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ कोई आना चाहता है, राइट। कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है या आप सोच रहे हैं, लेकिन कोई इमोशंस को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, राइट, लाइक स्टक। और यहाँ पे भी मैं हमेशा यही कहूँगी आपको कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन मैं यही कहूँगी कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि आप किसी के साथ या तो ऑलरेडी देखिए आप मैरिड हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, एंड लाइक डील इन द सेंस आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ आप लाइक चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, राइट। कुछ चीज़ें हैं, कुछ हो सकता है कि आप क्रॉस रोड्स पे हों, आपको समझ ना आ रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये मनी इश्यूज हो, कुछ के लिए हो सकता है गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ ऐसा पीरियड चल रहा है। यस, में भी हो सकता है चीज़ें एंड हो गई थी, चीज़ें बरी हो गई थी या उस लेवल तक पहुंच गई थी, मुझे ऐसा लगता है। एंड उसमें से कोई निकल के फिर कोई दोबारा से लाइक जैसे कहते हैं ना रीस्टार्ट, या मे भी कोई रशन करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्ट्रेंथ मे भी हो सकता है कोई अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप हैं, आपके पर्सन है, या मे भी हो सकता है आपके जो लाइफ में जो सिचुएशन है आप उसको बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
एंड यस में भी हो सकता है कि आप डाइसी हैं, आप हो सकता है कि आपको समझ ना आ रही हो, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं लाइक न्यू बिगनिंग विद द सन कार्ड। मुझे ऐसा लगता है आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, बट चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि यस कोई क्लोज्ड ऑफ है या किसी ने अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाल लिया है। और मे भी हो सकता है समबडी वॉक्ड अवे फ्रॉम यू, या आपने अपने आप को पीछे कर लिया था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। यस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई दोबारा से कोशिश कर रहा है, कोई दोबारा से चीज़ों को लाइक ठीक करने की, मुझे ऐसा लगता है, या ठीक करने की, या कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप कोशिश कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है सडन, जैसे कहते हैं ना, आपका दिमाग में कुछ हो, कोई बात आए या कुछ ऐसा थॉट आए जो आपको मजबूर कर दे। आई जस्ट सॉ 555, तो मे भी हो सकता है आप ये नंबर देखते हो। दिस इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, जैसा कि मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये चीज़ें मुझे ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्को पीपल। तो आपको शायद ध्यान देने की ज़रूरत है। यस में भी हो सकता है कोई कुछ लोग, जैसा मैंने बोला ना कि लाइक पास्ट में हो सकता है चोट खाई हो, उस चीज़ की वजह से डर रहे हो और आगे ना बढ़ पा रहे हो और अपने आप को रिजिस्ट कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। एंड यस यस जो मैं आपको बात बोल रही थी, इट्स ऑल अबाउट दैट। मे भी हो सकता है विद द फोर ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप उस चीज़ में से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप यू वर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इलनेस। कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल, कुछ के लिए हो सकता है मेंटली। आप बहुत ज़्यादा हैरेस्ड थे या कोई आपको परेशान कर रहा था और आप उसमें बाउंड हैं, स्टक है, ऐसा महसूस कर सकते हैं आप। और स्टिल वॉन्ट टू फाइट, जैसे कहते हैं ना कि आप फाइट तो करना चाहते हैं लेकिन कोई क्लोज्ड ऑफ है, कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, कोई बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है दोनों में से। यू कैन स्विच द रोल वाइस वर्सा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप, इट्स नॉट अबाउट अगर आपकी मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और आप कोई ना कोई एक पर्सन है जो दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से हो सकता है किसी के माइंड में कुछ ये चीज़ें आए और कोई दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्गे उखाड़ना और उनको फिर लाइक दोबारा से लाइक वीव करना और सब कुछ ठीक करना। तो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं। बात करें अगर आपके करियर की फॉर ऑल द वर्को पीपल, सो हो सकता है, अगेन मैं यही कहूँगी, आप क्रॉस रोड्स पे हैं। आप कुछ, मुझे लगता है डाइसी हैं, या मे भी हो सकता है कोई वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा बहुत ये सब कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। और मे भी हो सकता है वर्क प्लेस पे आपको हमेशा अपने आप को लाइक आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है या आपको ऐसा फेस करना पड़ता है, लेकिन स्टिल आप फाइट कर रहे हैं। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप यू कह लीजिए, या तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट लेना चाहते हैं, या आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ में से। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, स्टक दिन रात काम कर रहे हैं। बट मे भी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि चेंज हो सकता है, इट्स नॉट दैट ईजी। एक रिन्यूअल, दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टार्ट हो रहा है दोबारा से विद द सन। विद द सन इट्स ऑल अबाउट न्यू एनर्जी, राइट, रीबर्थ। सो कुछ के लिए ये हो सकता है कि जैसे आफ्टर लाइक जैसे कहते हैं ना आफ्टर लाइफ नया जन्म, तो ये कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। एंड अगेन ट्राइंग टू बैलेंस, और हो सकता है कि आप दोबारा से एक काम प्लेस पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लॉट ऑफ लाइक आफ्टर लॉट ऑफ हर्डल्स, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे लोगों ने कुछ सहा हो अपनी लाइफ में, कुछ बहुत कुछ फेस किया हो, तो उस चैलेंजेस को फेस करने के बाद आप इसमें आ रहे हैं। एंजल नंबर्स, मुझे ऐसा लगता है आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी देखते हो, तो ये चीज़ मुझे बार बार दिखाई दे रही है। देन वी हैव यस, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं बिकॉज वो अपनी सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशियाँ और हैप्पीनेस देना चाहते हैं। ये हो सकता है फॉर ऑल द वर्ल्ड को पीपल, मुझे ऐसा लगता है। एंड विद द जजमेंट कार्ड, लाइक इट्स अबाउट थिंग्स आर गोइंग इन योर माइंड। हो सकता है कि कुछ ना कुछ सडन ऑफ
सडन ऑफ में भी हो सकता है कि आप कुछ आपके लाइक कोई आप प्लान बनाएं, या मे भी हो सकता है कुछ आप सोचें ऐसा, या आपके माइंड में कुछ ऐसा आ जाए, या थिंग्स आर लाइक आप दोबारा से कुछ, जैसे कहते हैं ना, दोबारा से कुछ ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ करने के बारे में. जजमेंट इज़ ऑल अबाउट लाइक सोई हुई चीज़ों को जगाना. सो मे भी ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ हो सकता है ये आपसे रिलेट करें. चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द वर्गो पीपल. सॉरो, ओके, यस, अगेन वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स. किसी ना किसी चीज़ को लेके तो आप अपनी लाइफ में डाइसी हैं. चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. एक्स वाई जेड स्किज़ोफ्रेनिया, इसका मतलब है कि आपको चूज़ करना होगा. आप क्रॉस रोड्स पे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, परेशान हैं. तो आपको परेशानी लाइक अपने दिमाग को थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लग रहा था विद द टावर कार्ड, येस मे बी इट्स एन अवेकनिंग पीरियड फॉर फ्यू ऑफ यू. ये मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये जैसा कि मैंने बोला, ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग में चल रहा है. और हो सकता है जब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है तो एक फेज़ ऐसा आता है जब हमारे दिमाग से ही कुछ ना कुछ लाइक जैसे जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा, तो चीज़ें एकदम से हमारे लाइक कोई नई चीज़ हमारे लाइफ में आती है, या हम किसी चीज़ को लाइक देखते हैं, अवेयर होते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है. सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वर्गो पीपल के लिए स्पेशली. सो हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आप, ये जो फ्रेज़ है ये आपके ऊपर बैठता होगा. तो ये आई थिंक, आई डोंट नो, ये मेरे माइंड में कैसा आया. तो हो सकता है, नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि येस, आप विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बट चिंता की कोई बात नहीं, अपने आप को रिलीज़ कीजिए. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट कि आपने खुद को ही किसी चीज़ में बांधा हुआ है. कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने की ज़रूरत है. जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो कुछ नहीं सोचना चाहिए, उस टाइम अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, ना इधर ना उधर, सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए. अगर जब कुछ नहीं समझ आ रहा कि इधर जाएं कि इधर जाएं, तो बस फिर भगवान का नाम ले और ध्यान करें, और फिर आपको रिश्ते क्लियर दिखाई देंगे. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द वर्गो पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय.